والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ये शाम तुम्हारी है आका, ये शाम तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुंचे हो। ये शाम तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुंचे हो। ज़ीशान नबी हैं सब, लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं। ज़ीशान नबी है, लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं। सरे लामकां से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरे लामकां से तलब हुई, वो चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की, सुभान अल्लाह। कोई हद है उनके उरूज की, बलगन गुला भी कमाल ही। कुर्बान मशानो अजमत पर, सोए हैं चैन से बिस्तर पर। कुर्बान मशानो अजमत पर, सोए हैं चैन से बिस्तर पर। जिब्रील अमी हाजिर होकर मेराज का मुद्दा सुनाते हैं। वही लामकां के मकी हुए, वही लामकां के मकी हुए। सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिनके हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत व मुल्क में कोई शय नहीं, वो जो तुझ पे आया नहीं। अर्श पे पहुंचे आका तो रूहुल अमीन कहने लगे कि इससे आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। अर्श पे पहुंचे आका तो रूहुल अमीन सिदरतुल मुंतहा देखते रह गए। किस्सा है तूर व मेराज समझे कोई, किस्सा है तूर व मेराज समझे कोई। फर्क मतलूब व तालिम का देखे कोई, किस्सा है तूर व मेराज समझे कोई। फर्क मतलूब व तालिम का देखे कोई, कोई बेहोश जलवों में गुम है कोई। कोई बेहोश जलवों में गुम है कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, अल्लाह जला जलालू व अमन वालू व आतम बुरहान हो की हमदो सलाम। और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने दरबार वाला शान दरबार गोहरवार के अंदर हदिया ए सलातो सलाम, हदिया ए दुरूद व सलाम और हदिया ए अकीदत व मोहब्बत पेश कर खुतबा। सामईन नाज़रीन हज़रात, आज दा ए प्रोग्राम मेराज शरीफ की निस्बत नाल सजाया गया है। इस महफिल का अहतमाम किया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर दुआए रब्बुल जलाल
इस महफल नूं सजाण वालिआं दीआं दिलां नूं घरां नूं औलादां नूं खानदान नूं सजा दे आमीन। सामीकुल आदिन हजरात मौजज़ात जेड़े ने और इंतहा दर्जे के जेड़े कमालात ने ये मौजज़ात ने जेड़े इस सीरत का एक रोशन पहलू नबिया की सीरत का एक रोशन पहलू नबी की सीरत इस पहलू तो बगैर मुकम्मल नहीं होती। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू व मनवालहू ने ओ अल्लाह जल्ला जलालहू व मनवालहू जेड़ा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर दी शान दा मालिक है। हर बंदा दा तर्जमा समझदा है कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर दा तर्जमा की है। एदा आसान दा तर्जमा की है कि अल्लाह हर कुछ हर काम कर सकता हर चीज जी चाहे उसके कादर है वो कर जाता। लिहाजा वो मुसबत और कुदरत के मालिक रब ने अपने रसूलों और नबियों को मौजज़ा अता करके भेज दिया। किसी नबी को मौजज़ा किसी को दो किसी को नौ नबी पाक के अलावा बाकी नबियों ने जेड़ा ने मौजे दिते ने सारे तो ज्यादा मौजे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ने दिते और सारे तो सब तो ज्यादा कितने ने नौ मौजे ज्यादा ज्यादा नबी पाक अलैहिस्सलाम तो अलावा बाकी नबियों को ज्यादा तो ज्यादा नौ मिले। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू व मनवालहू ने अपने पाक पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर तो लेके पैरों तक सरापा ए मौजज़ा और सरापा ए कमाल बना के भेजा। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर सुभान अल्लाह। लिहाजा रब्बे तो जलाल ने साडे मौला वाका नू सर तो लैके पांव तक पैरों तक सराबा एक मौजज़ा बना के भेजा है शाना और कमालात बना दे के भेजा है। नबी पाक नहीं सलातो सलाम दे जिस्म का कोई हिस्सा भी कमाल और खूबी तू खाली नहीं है बेशक। अल्लाह ने कितने नबियों को मौजज़े दिए ने उन्हां दा कोई पसे मंजर होता सी उहदा कोई वजह होती सी क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन नबियों को जिस बस्ती के अंदर जिस इलाके के अंदर और जिस दौर के अंदर भेजता है उस दौर के अंदर उस इलाके के अंदर उन लोगों के अंदर जिस चीज पर गुमान और गुमान किया जाता है गुरूर और तकबर किया जाता है जिस चीज को लोग अपनी शान समझते सन अपनी वाह वाह समझते सन जिन्हों रब जलाल अपने नबी को उस चीज के अंदर कमाल ताकि इन्हां लोकां दे गुरूर टुट जान इन्हां लोकां दे गुरूर और तकबर खत्म हो जान और मेरे नबी दा सिक्का बैठ जाए मेरे नबी दी शान अपनियां अखां दे नाल देख रहे हैं कि असीं भी बड़े हकीम हाँ बड़े इलाज करने हाँ असीं फिर भी कोई दवाई देने हाँ कोई दारू देने हाँ ते साडे दवाई दारू कम करते हैं ते लोकां नूं बड़ी शिफा अल्लाह का नबी कि दवाइया
ਉਹਦੇ ਹਦਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਰੱਬੇ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਨੇ ਮਦੂ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਕਬਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਜਾਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਖੂਬੀ ਰੱਬ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੌਰ ਆਪ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜਾਦੂਗਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਰਤਬ ਦਿਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਕਰਤਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਫਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਰਤਬ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਦੂਗਰ ਮਾਹਿਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਾਦੂਗਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਦੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਕਬਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਤੇ ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਸੱਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਾਦੂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਆਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਦੂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਥੱਲੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਅਸਾ, ਆਪ ਦਾ ਡੰਡਾ ਮੁਬਾਰਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਡੰਡੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੂਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾ ਤਿਲ ਕਾ ਵੀ ਅਮੀਨ ਕਾ ਯਾ ਮੂਸਾ, ਇਹ ਮੂਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੀ ਆ ਸਾ ਯਾ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰਾ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟੇਕ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਤਫਸੀਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਆਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਵੀ ਬਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤੇ ਛੱਤੇ ਉਹ ਕਾਰਨਾਂ ਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਗਾ ਸਕਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਇਸ ਮਹਬੂਬ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਪ ਬਣਾਏ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਆਪ ਜਾਦੂਗਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬੇ ਦੇ ਜਲਾਲ ਨੇ ਕਮਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਡੰਡਾ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਡੰਡਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੂਰਤਾਂ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੰਡਾ ਸੱਟਿਆ ਨਾ ਜਿਸਲੇ ਤੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਜਦਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਾਨ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆਮਨਾ ਬਿਰਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਰੱਬੇ ਮੂਸਾ ਦਾ ਆਲਮਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਰੱਬ ਤੇ ਇਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਨਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੇ ਮੂਸਾ ਵ ਹਾਰੂਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਦਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਰੱਬ ਸੀ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਹਕੀਮ ਹੈ, ਰੱਬ ਅਲੀਮ ਹੈ,
رب علیم بذات صدور ہے رب حکمت والا ہے او بہتر جانتا ہے کہ اونے کتھے کینو کے دینا ہے کی کرنا ہے لہذا رب نے نبیوں دے بارے بھی بہتر جانیا کینو جنی شان دینی سی رب اس نے بھی اللہ کل شان قدیر دا مالک سی لیکن رب نے انہاں نوں کوئی کٹ شان نہیں دتی لیکن ایک تو بعد کے ایک نشانہ دتیاں رب نے جلال شان دیندا رہا لیکن جدوں واری آمنا دے دار دی جدوں واری آئی میرے اور توڑے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی تے رب نے جلال نے سارے نبیوں نوں جڑے کمالات وکھرے وکھرے دتے سن ایک ایک دی ذات دے اندر دتے سن رب نے جلال نے سارے کمالات وی اکٹھے کر کے محبوب دی ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیتیاں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تحقیق عظمت و شان مصطفیٰ کسی شاعر کا ہو گیا نا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری یا رسول اللہ حضرت یوسف کو حسن ملیا ہے بڑا کمال والا بھائی حضرت عیسیٰ دم نال لوکاں نوں صحیح کرتے سن بڑا کمال تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اسلام نے جدے پیدا ملیا سی بغت اپنے گریبان تے ہاتھ ڈال دے سن سفید ہو جاتا سی کمال ہے لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے خوبیاں سارے الگ الگ ملیاں نے نا او ساری خوبیاں بہت زیادہ نے لیکن توڑی ایک ذات دے اندر ساری جمع ہو گئی حسن یوسف دم عیسیٰ جدے پیدا داری آنچے خوباں ہما دار پتر ہار آئی توڑی گزار دے تو سارے کمالات پائے نہ اس لیے کسی نے آکھیا نا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تدبیر ہی تدبیر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر سبحان اللہ لہذا اے میں نے جڑا چیز بیان کیتی ہے اے معجزات دے حق ہون دا بیان کیتا ہے کئی لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس معراج کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر کس طرح کوئی بندہ جا سکتا ہے چلو چلا کے گئے پھر واپس بھی آ گیا کوئی آسمان کے دروازے نہیں کوئی کھڑکیاں نہیں نہ کوئی پہلے نہ کوئی ہوں انہوں نے جان کے بعد میں دروازہ بن گیا ہوئے کوئی اس طرح کام نہیں لیکن کس طرح یہ کام ہو گیا ہے یاد رکھو میں پہلے آکھیا ہے جڑی آیت پاک پڑھی ہے رب الجلال جل وعلا نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ پاک او ذات جس ذات نے اس خوبی نو واقعہ کیتا ہے اے خوبی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عطا کیتی ہے اس دی اپنی شان کے او دے اندر کمال کی ہے کیا جنی طرف یہ منسوب کر رہے سارے علاقے دے اندر بھی ہوتا ہے اے گل آکھی کنے میں اے کم کیتا کنے میں کدے بارے کہہ دے بے کم کنے کیتا ہے تے بندہ او دی ذات کو دیکھ کے تے جج کر لیندے نے اندازہ کر لیندے نے کہ اے کام ہویا بھی ہوے گا کہ کوئی نہیں ہویا ہوے گا اے گل کنے کیتی ہے اے دعویٰ کنے کیتا ہے کنے آخیا میں نہیں کر دیاں گا تے پیچھے کوئی پہاڑا بندہ ہوئے نا وہ گل کا اقدار ہوئے تے بندے کہتے ٹھیک آ کر وہ دے گل آ گئی ٹھیک ہے میں کہا پتہ کنے کہہ دیتی ہے کیونکہ گل بڑی وڈی ہے تے جے کہنے کی جو ٹھیک ہے جے کہنے کی جو ٹھیک ہے نہیں این جی ہوتا جی اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ جو کرنا کیتا اور یہ بیان کس طرح فرمایا رب الجلال تعالی نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ اسرا بعبدہ جن نے
अपने बंदे नूं सैर कराई है ना रात दे थोड़े जे हिस्से दे अंदर, ओ जात ओ ए के सुभान ओ हर ऐब कू पाक जात है, हर इज्जत और लाचारी कू पाक जात है, ओ जात ओ ए जिदे अंदर इज्जत नहीं है, जिदे अंदर लाचारी और मजबूरी नहीं है, ओ जात ओ ही है जेड़ी कुछ कर ना सकती होवे, कुछ करना चाहती होवे ते कर ना सकती होवे, ओ जात ओ नहीं जी है, बल्कि ओ जात कौन है? सुभान। सुभान का मतलब यह है हर ऐब तू पाक जा, इज्जो इंकसारी तू पाक जा। मैं किसी तकबर करी ना तो सानू गुनाह होता है, लेकिन रब है ही तकबर, रब है ही बड़ा ज्ञान है, रब की फसल है, रब की शान है कि वह बड़ा है, वह बढ़ाइया है, वह ऊंचाइया है, वह बुलंदा बाला है, ये रब की शान है तकबर, ये रब की शान है, सारी शान नहीं है, सानू मन है लेकिन रब वास्ते जरूरी है, रब वास्ते तकबर जरूरी है लेकिन साडे वास्ते मन है। बहरहाल रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है ओ ज़ात, लोका जेड़े लोग इस वाक्य नु अकल दे इतराज़ दे अंदर तोलना चाहते ने या तोलदे ने जां जिन्हां ने तोलिया है, रब्बुल जलाल ने उन्हां दा कला कमा कर दिता है और उन्हां दे इस वहमो गुमान नु आए तो 1400 साल पहले जो सिर तोड़ दिता सी जिसने ये वाक्य पेश आया, रब्बुल जलाल ने कुरान पाक में नज़ूर किया, फरमाया सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, ए लोगो इस महबूब नु ज़ात तो रात सहरन करान वाली ज़ात होए जेड़ी हर ऐब तो पाक ज़ात है, असरा बिअब्दिही अपने बंदे नु रातो रात लै गई, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा खादा काबा तो मक्का ए पाक दे अंदरू बैतुल मुकद्दस तक दी सैर कराई, लेकिन अकीदा और नजरिया जेड़ी मेराज दा कीती है ओ मक्के पाक नू लै के बैतुल मुकद्दस तक पहले दूसरे तीसरे चौथे सातवें आसमान तक, सातवें आसमान तो बाद सिद्रतुल मुंतहा तक, सिद्रतुल मुंतहा तो बाद अर्शे उला तक और अर्शे उला तो बाद जन्नत की सैर और दोजख दा मुआयना भी कीता है और ओदे तो बाद नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम वापस तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। आले सुन्नत व जमात दा एक नज़रिया और एक अकीदा है मेराज दे बारे च। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे पाक पैगंबर हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों ऐलान नबूवत फरमाया, ऐलान नबूवत दे नबी पाक ने फरमाया ना कि अल्लाह दा मैं अल्लाह दा नबी जे अल्लाह इक जे अल्लाह वाहदहु दी इबादत करो मनु अपना रसूल मनो ते ओ लोग जेड़े नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु सच्चा कहंदे हुंदे है जिन्हां दा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल उठना बैठना सी ते नबी पाक पहले कहंदे तेरे बड़े सच्चे ने यार बंदा बड़ा सच्चा है क्योंकि अजे तक नबी पाक ने उन्हां दे बुतां नु बुरा नहीं सिखिया बुतां नु भैड़ा नहीं सिखिया ते कहंदे ने बड़ा सच्चा बंदा है नबी पाक ही के सच्चे लेकिन नबी पाक ने इस्लाम ने अपनी जिंदगी उन्होंने अंदर गुजारी अपनी सच्चाई अपनी अमानतदारी और अपने हुस्ने अखलाक उन्होंने मुतासर किया और मनते सन कि यह बंदा अमानतदार है सच बोलता है अखलाक का बेहतर है ऐसे वास्ते कुफार और मुशरिकीन भी अपनी अमानत अपने रिश्तेदार को नहीं रखते नबी पाक ने सलातो सलाम दे बोले रखते अपनी अमानत क्योंकि यह बंदा होए जिन्हें कदे अमानत की खयानत नहीं की मानता वापस करते
ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਐਲਾਨ ਨਬੂਵਤ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਾਲਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਰਕੋ ਕੁਫਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਵਾਨ ਚੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਫਰੋ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀਆਂ ਅੰਧੇਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕਦੇ ਆਏ ਪਏ, ਕਾਫਰੋ ਮੁਸ਼ਰਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦਕੋ ਅਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਬੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਤੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਬੂਬ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਐਨੇ ਖੁਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਐਨੇ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ, ਹਰ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਐਨੀਆਂ ਖੁਦਾਵਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਓ ਸਿਤਮ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਬੂਵਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਦੂਗਰ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜਾਦੂਗਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪਦੇ ਵਾਲਦੇ ਮਤਲਬ ਵਫਾਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਆਪ 6-7 ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਦੀ ਵਾਲਦਾ ਮੋਹਤਰਮਾ ਵੀ ਵਿਸਾਲ ਪਾ ਗਈ। ਉਹ ਬਸ ਆਪਦੇ ਦਾਦਾ ਜਾਣ ਗਏ, ਆਪਦੇ ਦੁਸਾਹੀ ਸਹਾਰੇ, ਆਪਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਦਾਦਾ ਜਾਣ ਵੀ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ, ਆਪਦਾ ਚੱਚਾ ਸੀ, ਆਪਦਾ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਆਪਦੇ ਐਲਾਨੇ ਨਬੂਵਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੇਂ ਸਾਲ, ਐਲਾਨੇ ਨਬੂਵਤ 10ਵੇਂ ਸਾਲ ਆਪਦਾ ਜੱਚਾ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ, ਇਹਦੀ ਸਹਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਦੇ ਫੋਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੀ ਜੋਜਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹਜੀਰਤ ਕੁਬਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਚਾ ਦਾ ਵੀ ਮਿਸਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲੀ ਸਹਾਰਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਸੀ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ, ਕਿ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਦਮ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਚਾਚਾ ਵੀ ਖਤਮ ਫੋਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲੱਭ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਲਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਦਮ ਕੀਤੇ, ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਤਾਜ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਗੱਲਾਂ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਬੂਬ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਦਮ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹਾਰਾ ਚੱਕਾ ਵੀ ਖਤਮ, ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ, ਆਪਦੀ ਦੋਜੇ ਮੋਹਤਰਮ ਵੀ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਆਪ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ਾਲਿਮੋ ਕਾਫਿਰੋ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਲੋਕ ਜ਼ੁਲਮ ਓ ਸਿਤਮ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵਫਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਜਲਾ ਜਲਾਲੁਹੂ ਅਮਨ ਵਾਲੁਹੂ, ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਖੀ ਨਾ ਗਈ। ਮੇਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਬ ਇਹ ਵੀ ਉਲਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਚਾਚਾ ਦੀ ਵਫਾਤ ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਜੋਜਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਦੀ ਵਫਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬੇ ਦੇ ਜਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਬੂਬ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖੁਤਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਤੂਰ ਮੇਰਾਜ ਸਮਝੇ ਕੋਈ, ਫਰਕ ਮਤਲੂਬ ਤਾਲਿਬ ਕਾ ਦੇਖੇ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਜਲੂ ਮੇ ਗੁਮ ਹੈ ਕੋਈ, ਕਿਸਕੋ ਦੇਖਾ ਜੇ ਮੂਸਾ ਸੇ ਪੂਛੇ ਕੋਈ, ਆਂਖ ਵਾਲੋਂ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਪੇ ਲਾਖੋ ਸਲਾਮ।
हजरत मूसा ने ना हजरत मूसा रब का हम गुलाम होंगे सर अल्लाह ने गलबात कर दे सर आपका लकब है कलीम उल्ला कलीम कहने ने गुफ्तगू करना ले कलाम करना ले ते कलीम उल्ला का मतलब होगा अल्लाह का गुफ्तगू करने वाला बंदा हजरत मूसा कोई पूत जाते रब हम कलाम का शरफ मिलता आप अल्लाह का हम कलाम तो करना लेकिन अल्लाह को तकिया नहीं सी ते आप गुफ्तगू केड़ी केड़ी करते अल्लाह नाल ते आप दे दिल अंदर ख्याल आया कि जिद नाल गल करता रहना वो चले तक्का भी तो सही है किस तरह का अल्लाह गलबात करते रहते लेकिन जिद नाल प्यार हो असी फोन करते ना अजकल जिस तरह टेक्नोलॉजी है वीडियो कॉल होंगी है जो प्यारे अपने गल करते तो बंदा कहता यार वीडियो कॉल करे वीडियो कॉल कर किन्ने दिन हो गए वीडियो कॉल नहीं की तेरी सूरत तकनी है तेरी तस्वीर तकनी है अल्लाह रब्बुल आलमीन दे नाल गलबात होंदी सी लेकिन आप उसे रब दा दीदार नहीं किया सी ते रब तो जलाल बोल कहते ने रब्बी आरी नी अंजुर इलैका ए अल्लाह मुझे अपना आप दिखा मैं तैनू तकना चाहना वा मेरा जी चाहता है मैं अपने रब दा दीदार करा मैं जितना गड़ा करना वा ओदी सूरत तक लवा ओनू देख लवा ओदी ज़ियारत कर लवा रब जलाल ने ज़ियारत ना कराई आप दा इसरार बढ़िया बार बार कहते रहे रब्बी आरिनी अंजुर इलैका ए अल्लाह तू दीदार ते करा ले अंजुर इलैका मैं तैनू देखना है रब जलाल जल्ला वाला ने इरशाद फरमाया लन तरानी ऐ मूसा तुसी मनू नहीं देख सकते लेकिन इस पहाड़ पर पूरे सीना पहाड़ पर देखो रब जलाल अपने नूर की तजल्ली फरमाई हजरत मूसा ने तजल्ली देखी कि हजरत मूसा अलैहि सलातो सलाम उठे बेहोश होकर डिग पे एक तरफ इंतजामा ने देखने दिया आरजुआ ने तमन्ना की जा रही है फरियाद की जा रही है अर्ज गुजारी की जा रही है अपनी आजी का इजहार किया जा रहा रबी आलिनी अंजुर इलैका अल्लाह अपना आप दिखा दे अल्लाह अपना आप दिखा दे मैं तुम देखना चाहता वा रब ने जलाल ने फरमाया लन तरानी ऐ मूसा तू देख नहीं सकता ऐसे कई उलमा भी बयान फरमाते हैं रब ने जलाल ने ऐ नहीं आखिया मैं मैं वो हां जेड़ा किसी को नजर आ ही नहीं सकता ये नहीं फरमाया फरमाया ऐ मूसा तू सी नहीं मुर्तक सकते क्यों अपने महबूब का अपना दीदार करवाना नहीं सी है फरमाया ऐ मूसा तू सी मुझे नहीं देख सकते लेकिन इस पहाड़ पर देखो ते आपने देखे आप उतरे ही बेहोश हो गए ऐसी हजरत मूसा अलैहि सलाम को रब ने जलाल अपने नूर की तजल्ली का दीदार करवाया और एक तरह नबी पाक अलैहि सलातो सलाम मुकाबला किया जाए कंपैरिजन किया जाए नबी पाक अलैहि सलातो सलाम के नाल ते हत्ते मूसा अर्ज कर रहे ने लेकिन उन्होंने रब ने अपना दीदार नहीं करवाया अपने नूर की तजल्ली दिखाइए ते रब ने जलाल दे पाक पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी दे घर इशा दी नमाज तो बाद अपने रिश्तेदार सन महरूम सन आपकी आप उन्होंने घर जा के आराम फरमा रहे हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फरिश्तियां दे सरदार ने और नबी पाक अलैहिस्सलाम नबियां दे सरदार ने सरदार को बुलाने वास्ते सरदार को भेजा जा रहा है सुभान अल्लाह खुसूसी प्रोटोकॉल जिब्रील अमीन खुद तशरीफ लेके आ रहे फरिश्तिया की जमात नहीं सिर्फ ज्यादा तो ज्यादा फरिश्ते नहीं भेजते रब ने कि बहुत ज्यादा फरिश्ते चले जाओ बल्कि रब्बुल जलाल ने नबियों के सरदार को बुलाने वास्ते फरिश्तिया के सरदार ने इंतखाब किया है कि जिन्हें आना है वह नबियों का सरदार है जेड़ा लै के आवे वह फरिश्तिया का सरदार जाए सुभान अल्लाह लिहाजा नबी पाक ने सलातो सलाम आराम फरमा रहे हैं हजरत जिब्रील अमीन
अलैहिस्सलाम आपने आके नबी पाक अलैहिस्सलाम दे नू प्रोटोकॉल किस तरह दिता। देखो याद रखो तुहाडे भी साडे रिवाज हुंदा है वड्डा किसे बुक्के जगा लगे ना ते पैर नाल जगा देगा उन वादा मार दे ओए उठना उन हाथ नाल ला देंगे और जागदा नहीं है पिया उठ भी ना। यानी कि जिस तरह का बंदा हो उस तरह बिहेवियर किया जाता है उन्होंने उस तरह जगाया जाता है। निका वे तू थोड़ा सख्ती ना जगा लेंगे हाथ ला के जगा लीजिए पैर ला के जगा लीजिए और कंबल ला दो लाओ जलाओ उन जगाओ क्यों वह प्रोटोकॉल नहीं है। अगर किसी ने अपने वालद साहब को जगाना हो फिर किसी ने जगा लीजिए वालदा जगाना हो औलाद ने अपने वालदैन जगाना हो या किसी शागिर्द ने अपने उस्ताद को जगाना हो किसी पीर मुरीद ने अपने पीर को जगाना हो किसी ने लगाएगा फिर पीर का पीर अल्लाह ये तो पीर के भी पीर ने नबी पाक अलैहिस्सलाम बेदार करना आराम फरमा रहे हैं। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अपने होंठ आप दिया तलविया दे लाए सुभान अल्लाह ते नबी पाक अलैहिस्सलाम नु जा रही है जब आपने बेदारी की थी याद रखो नबी दी अखा सोनिया ने नबी दा दिल तदे सुंदर है ही सुभान अल्लाह आप खुद फरमा रहे हैं मेरी अखा सोनिया ने तो सोनिया ने मेरा दिल भी सुंदर है। नबी पाक ने इस्लाम सलाम बेदार हुए हजरत जिब्रील अमीन ने की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोड़ा रब तोड़े दी दार तोड़ी कोल अकार ऊंचा रे तोड़ी रब तोड़ा रब तोड़े दी दार दा तोड़ी कोल अकार दा मुस्ताक के ते जिब्रील अमीन ने नबी पाक ने इस्लाम सलाम नु हतीम दे अंदर खाना काबा दे नाल जेड़ी खाली जगह खाना काबा दी लेकिन ओथे इमारत नहीं बनी उथे लिया उथे मुराद सवारी ली गई और नबी पाक सवाल हो मुराद का एक कदम इतने वे दूसरा कदम वह कितने जाता सी उलामा ने लिखे है कि जिते ओरी नजर की इंतहा होती सी मुराद की जितने तक वो देख सकता सी अगला कदम उथे जाकर टिकता थी जिते ओरी नजर की इंतहा होती इतनी तेज सवारी थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे सवार हुए बैतुल मुकद्दस गए बैतुल मुकद्दस उठे सारे अंबिया इकराम तशरीफ फरमा सन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे सारे की इमामत फरमाई आला रुकने के शेर लिखे हैं आप रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इस इमामत के बारे में फरमाते हैं कि नमाज अक्साम में था ये ही सिर सिर कहते ने राज नुकते गहराई वाली गल फरमाते ने नबी पाक ने इमामत क्यों की थी है आप चाहते इमामत ना करते सीधा ही आसमान करे जाते आप फरमाते ने नमाज अक्सा में था यही सिर के आया हम मान रहे अब्बल आखिर अब्बल आखिर का मतलब क्या है नबी पाक पहले भी ने नबी पाक आखिरी भी ने इहदा मतलब तो पता चले कि सारे जितने नबी पहले इमामत कर गए ने उन्हां दी इमामत भी नबी लोग भी जाके रवा रहे नमाज अक्सा में था यही सिर अया हो माना है अबुल आखिर सब पर सब है सब पीछे हाजिर जो सल्तनत पहले कर गए सुभान अल्लाह ये तो कहने में अव्वल भी थे आखिर भी नबी पाक अलैहिस्सलाम उठे इमामत करवाई उत्थे कई नबिया ने खुतबे पढ़े याद रखो इस चीज का बड़ा खास बयान है नबिया ने दूसरे ने भी खुतबे पढ़े मैं पहले तो दसिया कि किसी नबी की भी शान असी घटानी नहीं घट है ही नहीं लेकिन असी इस चीज को बयान करना चाहते हाँ कि साढ़े नबी दियाँ साढ़े की अदावान ने दूसरे नबिया ने उत्थे खुतबे पढ़े ने अलहमदुलिल्लाह अल्लज़ी तमाम तरीकों से अल्लाह दी गले हजरत मूसा कहने तमाम तरीकों से अल्लाह दी गले जिन्हें मनु कलीम अल्लाह बनाया है ठीक है जेड़ी जेड़ी शान रब ने उन्हें अता की थी ना उन्हें अपना जिक्र किया है अल्लाह की हमद सना की थी है लेकिन हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्बान जावा आपने रब की हमद भी की है
अपनी शान भी बयान की कि ओ रब जिने मनु फुला फुला फरिंदा अता कीतियां ने ओ दे अंदर रसूल ने इस उम्मत दा भी जिक्र उते फरमाया है बैत मुकद्दस दी राह सुभान अल्लाह आपने फरमाया अर्ज की कि रब ने हुजूर ओ रब तमाम तरीफा उस अल्लाह दियां ने कि जिसने मेरी उम्मत नु दरमियानी उम्मत बनाया है और मेरी उम्मत नु लोकां दी रहनुमाई वास्ते पैदा फरमाया याद रखिया मेराज की शब को याद रखा फिर हश्र में कैसे बोलेंगे अत्तार इसी उम्मीद पे हम दिन अपने गुजारे जाते हैं अत्तार इसी उम्मीद पे हम दिन अपने गुजारे जाते हैं सालू ए मान है नबी पाक ने सलातु सलाम ने अगर सबने थे याद रखिया है एथे नहीं भूले ने तू रब ने इतना शान अता कीतिया अपना दीदार करवाने वास्ते नबी पाक ने बुलाया है सारे नबियों की इमामत अता की है सारे नबी सामने ने उत्थे भी नाबे रसूल जलाल दे प्यारे महबूब ने अपनी उम्मत को भुलिया नहीं अपनी उम्मत को याद रखिया है अपनी उम्मत का उत्थे भी जे जिक्र किया है ते मैदान ने हशर के अंदर भी अपनी उम्मत को याद रखेंगे असली ऐसे सारे दे जींदे जा रहे उतू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील अमीन नाल सन नबी पाक ने सलातो सलाम आसमान तो पहले आसमान की सैर की पहले आसमान तो सत्रह आसमान तक नबी पाक ने सलातो सलाम फरिश्तों के बाजुओं के सफर करके गए सत्रहवें आसमान तो सीधा तुल मुंतहा के तो जाना सी ते जिब्रील अमीन अपने बाजुओं में लेके गए ते जो सिदरा तुल मुंतहा अगे जाना सी फिर ते की होया के रुक के सिदरातुल मुंतहा पे जिब्रील अमीन बोले के इससे आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं सुभान अल्लाह के इससे आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं किसी शायर का हुक बोले है शायर कहता अर्श पे पहुंचे आपका तो रूहुल अमीन जब नबी पाक जिब्रील अमीन के नाल आले सिदरातुल मुंतहा तक जिब्रील अमीन नाल गए लेकिन अगे रब्बुल जलाल दा दीदार है रब्बुल जलाल दे नाल हम कलामी है रब्बुल जलाल दे नाल राजो नियाज दिया गल्ला ने हां ओते तीसरा कोई नहीं होना चाहिदा जदों ते जाना सी नबी पाक ने इस्लाम तो तशरीफ लै के ना ते शायर कहंदा अर्श पे पहुंचे आका तो रूहुल अमीन सिदरातुल मुंतहा देखते रह गए ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਹਾਦ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਗਏ ਕਿਤੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਟੁਰ ਗਏ ਸੁਭਾਨ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਕਾ ਤੋਂ ਰੂਹ ਨਬੀ ਸਿਦਰਾਤੁਲ ਮੁੰਤਹਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿੱਸਾ ਇਹ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਮਝੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਮਤਲੂਬ ਤਾਲਿਬ ਕਾ ਦੇਖੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਜਲੂ ਮੇ ਗੁਮ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸ ਕੋ ਦੇਖਾ ਇਹ ਮੂਸਾ ਸੇ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ आंख बादों की हिम्मत पे लाखों सलाम अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बुलाया है अपना दीदार करवाया है नबियों की इमामत करवाई है इन्हां दे ज़रिए और अपना दीदार करवाया है अपने दीदार के बाद जन्नत की सैर करवाई है दोज़ख का मुआयना भी किया है और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले आए और वापस आके नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लोगों में दसिया ये वाकया सारा नबी पाक ने लोगों में दसिया तो लोग की मनन तो इनकार ही हो गए उन्होंने क्या किया अकल के तराजू के अंदर इन्हू तो लिया इस वाक्य में अकल के तराजू के अंदर तो लिया किसी ने इस अकल के तराजू के अंदर तोलने की भी मनन कश बड़े प्यारे अंदाज की है शायर कहता है ਸੀ ਮੇਰਾਜ ਇੱਕ ਰਾਜ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾਜ ਇੱਕ ਰਾਜ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਦਿਆ ਤਾਲਿਬ ਤੇ ਗਿਆ ਮਤਲੂਬ ਉੱਥੇ ਜਿਬਰੀਲ ਸੀ ਸਦ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ
बाद कहंदे बिना दरवाजिया को किवें गया है अरशा ते जान वाला अगर ऐथे अकल नु की दहले ओ जाने जान वाला याद है जान वाला सुभान अल्लाह जाने जान वाला याद है जान वाला बारे चीज नु याद रखो कि जिब्रील अमीन फरिश्ते जड़े ये भी नबी पाक ने आंदे रहंदे है ते जे बिना दरवाजे को कोई नहीं जा सकता ते फरिश्ते किस नु आ जांदे ने बिना दरवाजे को फिर फरिश्ते भी तो बिना दरवाजे को आंदे रहे ना क्यों आंदे रहे ने कि इन अल्लाह अला कुल शयइन कदीर और रब कादर है इस चीज ते कि किसी को आसमान को थल्ले ने भेज दे ते आसमान दे विच कोई सुराख भी ना हो ते जे तू जिब्रील अमीन आ सकदे ने ते जिब्रील अमीन दे भी सरदार अर्श ते क्यों नहीं जा सकदे सुभान अल्लाह ठीक है जी ते शायद बड़े वादे कीती है गल के बाद कहंदे बिना दरवाजिया को किवें गया अरशा ते जान वाला अगर इत्थे अकल नूं की दसदे जाने जान वाला सुभान अल्लाह लिहाजा अल्लाह ने सानू बड़ा सोहना अकीदा दिता है मैं कई बार इस चीज़ का बयान करना कि असी माशाल्लाह अलहम्दुलिल्लाह नबिया अल्लाह नूं मन्ने आ नबिया नूं मन्ने आ साहबिया नूं मन्ने आ वलिया नूं मन्ने आ अल्लाह दे नबिया दे कमलात नूं मन्ने आ कई लोग कहते जी मेराज ना होइए ख्वाब दे अंदर ख्वाब अंदर होइए यार जे तू मन लेगा कि जागदे होइए तो की फर्क पै गया वो मेरे तेरे नबी की शान ही है ना और अहले सुन्नत और जमात जेड़े अक्सरियत दे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हजरात अक्सरियत दे अंदर पूरे वर्ल्ड का इन्हां नूं रमान को नहीं पता चलिया कि हाथ अंदर होइए मेराज या जागदे होइए अगर इन्ने वड्डे उलमा इन्ने ज्यादा अक्सरियत दे अंदर उलमा और हर आम बंदा इस चीज नूं कहंदा है कि मेराज होई है ते मान लिया तू भी यार मेराज होई है नबी पाक दी शान ही अल्लाह दे बंदिया ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਰੱਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆਪਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮੰਨ ਜਾ ਤੇ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਔਰ ਉਹ ਸੋਚ ਔਰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬੁਲ ਜਲਾਲ ਅਲਾ ਕੁੱਲੀ ਸ਼ੈਇਨ ਕਦੀਰ ਬਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ जो चाहे करता है याद रखो असा डंडे का सप बनना पुराने पाक के अंदर यह जिक्र है और उस बाद परिंदियों का गोश्त हो के मुख्तलिफ पहाड़ों के उत्ते रखिया तो उन्होंने सीढ़ियां अपने को रख दी सर उन्होंने जला ने फरमाया कि वह परिंदे कई दिन दौड़ के आवेंगे अपने सिर लैन वास्ते ये वाकई अपने चाहते नहीं आते लेकिन असं मुसलमान मुसलमान होने लाते कुरान ते ईमान है असं उन्होंने मनने जो उन्होंने मनने तो सू अस ये भी मनने असं ये दावत दे रहे हैं कि इस चीज़ को मनो रब जलाल जला जलाल मोहम्मद मालूम दुआए कि रब जलाल अमल नमाज जरा मेराज का तोहफा है तोहफे की कदर करनी चाहिए ये सानू नबी पाक की सलात इस्लाम के जरिए अल्लाह की तरफों नमाज तोहफा मिले है इस तोहफे की कदर करनी चाहिए रब्बुल जलाल सानू तौफीक अता फरमाए नमाज पांच वक्त की अदायगी करने की तौफीक अता फरमाए अपनी साड़ी महफिल अल्लाह पाक अपनी पाक और बुलंद बार का कबूल फरमा के मेरी तौहीद बख्शिश का जरिया बनाए आमीन।